In the previous lecture, we have discussed about the Bohr model. Bohr has the given a model. According to that, the Bohr model, the electrons are filled in the orbit, and the surrounding part of nucleus is known as the orbit. And orbit are not in stationary condition; they always revolve around the nucleus, have a negative charge. रदरफोर्ड के मॉडल से आपको मालूम चला था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इसी बोर ने फिर इसी मॉडल को हेल्प लेते हुए आगे बताया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो स्टेशन कंडीशन करके डायरेक्ट मूव करते रहते हैं. बट इनका मॉडल फिर फेल हो गया था. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते तो अपनी एनर्जी को लॉस करके एटम के न्यूक्लियस में जाकर गिर जाते हैं, जिससे एटम डिस्ट्रॉय होता है, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में किस तरीके से फिल करा जाता है. 288 1832 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा जाता है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स स्टेबनी की थी. इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, और गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकल डाले थे तो उसके कारण से हम पार्टिकल्स आर एमिटेड, दे आर द न्यूट्रल्स, दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ चार्ज, तो दे आर नोन एज द न्यूट्रॉन्स, उन्हें न्यूट्रॉन कहा गया. और द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट ऑर्बिट, देखते हैं इसको, सी ऑन द बोर्ड. देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट नोन एज द KLM और N. यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, देन 18 देन 32. इस चीज़ को उन्होंने बताया था बोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करे जाते हैं ऑर्बिट में वो 288 1832 के फॉर्म में पड़े जाते हैं. इन्हें KLMNOPQ इस तरीके से सेल्स दिए जाएंगे. इनको ऑर्बिट या फिर शेल दो नाम से जाना जाता है. कोई डेफिनेट द सर्कुलर पाथ या स्पेरिकल पाथ्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ऑर्बिट आर शेल. इलेक्ट्रॉन टू फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन, देन 8 18 18 32, इस तरीके से भरे जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका देखिए, ये एक रूल है कि 2 एंड 2 इस इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. यानी देखिए, फर्स्ट सेल अगर हम यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, देन 2 2 इंटू 1 इज 2. यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सेकेंड सेल की अगर बात करें, देखिए 2 एंड 2, तो 2 2 2 की पावर 2, देन 2 इंटू 4 इक्वल 8, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. इस तरह थर्ड सेल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 एंड 2 पावर 2. अब देखिए 2 3 2 पावर 2 करा तो यहाँ पे हमारे पास हुआ 9 9 को करा तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 18. इसी तरह फोर्थ सेल की बात करें, 4 स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 इज इक्वल हो गया 32. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल कराया जाता है. लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, देन 32. तो ये तो KLMNOP, तो ये दोनों जगह 8 कैसे हुआ, जबकि यहाँ पे 18 होना चाहिए. तो ये याद रखिए, ये दोनों जो जगह जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकी एनर्जी सेम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव करते हैं, जो शेल बोलते हैं 3D, ये तरह इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ मूव करेंगे. तो भरे 2 8 8 18 18 ही भरे जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो सेम सेल में रह जाते हैं. ओके, क्वेश्चंस. नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, सिमिलरली 2 न्यूट्रॉन्स, बिकॉज एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन
इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट ऑर्बिटेट, ये भी हमें होता है, 2n2 की पावर से फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हर एक सेल का नाम होता है जिसे KLMN के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए भर के दिया है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। इफ द KN शेल एटम आर द फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। चलिए इसको देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन बाकी इसमें बचे 4। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, इधर सोडियम की बात करें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड सेल में 8 आते हैं, देखिए 10 हो गए, बच गया बच 1, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट वाले सेल में जो आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक और क्वेश्चन यहाँ उठा था कि अगर के अगर फुल भरा है यानी 2, और एल भी अगर फुल भरा है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर भरा जाए कि के एल एम और एन, तो हमें मालूम है के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 8 हो गए, और एन में अगर 2 बोला है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 22, 22 नॉट 20, 20। तो इस तरीके से पूछा जाता है पेपर में। बैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज़ कॉल्ड द बैलेंसी, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको कम्प्लीट करने के लिए भी 1 चाहिए, तो बैलेंसी जो 1 है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। लिथियम में देखिए बाहर वाले सेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज़ अ बैलेंसी जो है इसकी -7 इलेक्ट्रॉन हो सकती है या +1, यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देगा तो +1 और लेगा तो -7, मोस्टली ये +1 ही शो करता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा आसान होता है। इसी की तरह अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास बेरिलियम में आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो +2 इसकी बैलेंसी रहेगी, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि 2 डोनेट करें। इस तरह सब एटम दिए, जैसे कार्बन में बात करेंगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कंडीशन होने पर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, इसलिए डोनेट और गेन के कारण इसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कंपाउंड। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो इसी कंपाउंड के मिलते हैं। सब एटम्स को देखिए, इसमें सब में आउटर मोस्ट सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितने अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे जितने भी कम रहेंगे उसे उसकी बैलेंसी कहा जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू बैलेंसी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मान लीजिए किसी किसी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कंप्लीट सेल कहलाएगा सेल के अकॉर्डिंग। जैसे के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 2 भरे होने चाहिए, एल में 8 हो सकते हैं, अगर एल भरे होंगे तो वो कंप्लीट कहलाएगा, के एल एम में 8 होने चाहिए, एन में 8, तो अगर कंप्लीट सेल भरे होंगे तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, इनर्ट इलेक्ट्रॉन, नोवेल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब नॉवल गैसेस होती हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल होते हैं, इनके शेल कम्प्लीटली फिल होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने ऑलरेडी भरे हुए रहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नॉवल गैसेस के कुछ होते हैं। ठीक, देखिए 6 यूनिट + 6 यूनिट = 12 यूनिट्स इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एलुमिनियम 27 यूनिट्स बोल रहा है, यानी 13 यूनिट्स ऑफ प्रोटॉन एंड 14 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए,
कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, तो ए जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज़ अ एटॉमिक मास, और जेड जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, इस लिखने का तरीका है। हाउ विल यू फाइंड द बैलेंस ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम, देखते हैं इसको। देखिए क्लोरीन 17, सल्फर 16 और मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है। 17 को अगर हम फिल करें के एलिमेंट सेल करके तो 2, 8, 7। अब देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन गेट कर ले तो 8 हो जाएगा, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन माइनस में, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना तो चार्ज होगा। इसी तरह सल्फर की बात करें तो फिर लिखें के एल एम, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, अब बच गया 10 हो गए, बचे 6। तो ये और सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 2 8 8 हो जाएगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वही तरह मैग्नीशियम की बात करें तो के एल एम या 2 8 O 2 अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह ये अगर डोनेट कर देगा तो ये सेल ख़त्म हो जाएगी, आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर गिवन, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन वॉट इज़ द एटोमिक नंबर। तो 8 एटोमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। वॉट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, माइनस चार्ज होगा बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। वॉट इज़ द हेल्प ऑफ 4.1, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है वो 16 होता है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और सल्फर का जो होता है वो मास नंबर उसका 32 होता है, 16 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन। वॉट इज़ द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ओके, एंड गिवन बाय द फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन याद रखिएगा, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोटॉप, टू कंपाउंड हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर द आइसोटॉप। एंड आइसोबार, दोज कंपाउंड हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड द आइसोबार, सॉरी। एप्लीकेशन होता है आइसोटॉप की, द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड आइसोटॉप ऑफ द कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटॉप आयोडीन इज़ यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्वाइटर। आइसोबार जो होते हैं मैंने बता दिया, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर जस्ट सम सिंबल HD एंड द टेबलर ट्री और सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन द ईस्ट एम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब आप पहले चार्ज ले लें, मास ले लें, साइज ले लें, कौन कहाँ प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन को डिफाइन करना है। राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन फॉर एनी वन पेयर ऑफ द आइसोटॉप एंड आइसोबार। चलिए इसको करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल हाइड्रोजन 1 2, देखिए फर्स्ट इज प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम, तीन टाइप के आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, इन्हें आइसोटॉप कहा जाता है। इस तरह क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स हो सकते हैं। सी क्लोरीन में बात करें, इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 17 होता है, मास नंबर इसका 35.5 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 37, यानी इनके एटॉमिक मासेस जो हैं डिफरेंट हो जाएंगे। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हुआ है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखते हैं। आइसोबार बात करें तो सेम एटॉमिक एटॉमिक मास बट डिफरेंट
एटॉमिक नंबर एग्जांपल देख लिए, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन 7। बस कार्बन 14 हो सकता है, नाइट्रोजन भी 14 हो सकता है। ये देखिए इनके एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस होते हैं। ये कार्बन 14 जो आप बोल रहे हैं ये आइसोटॉप के काम आता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग, सुना कार्बन 14 कार्बन 12 का यूज़ करते हैं, है ना। इस तरीके से इनके एटॉमिक मास तो सेम हो जाते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मान लीजिए कोई एटम है, अगर हम बात करें, देखिए मैग्नीशियम की बात करें हम और एल्यूमिनियम की बात करें, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका होता है 13। बट इसका जो मास होता है इनका, वो होता है 24, इसका होता है 27। अगर हम देते बात करें तो, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 में, यानी 12 और 12 इनके एटॉमिक नंबर सेम हो गए हैं बट मास डिफरेंस होने के कारण ये आइसोटॉप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो कंपाउंड है, अगर उनमें सेम नंबर, देखिए एक और देख लेते, मान लीजिए ए बी कंपाउंड है, इनके मासेस जो है, मान लीजिए इसका मास आपके पास एक्स है और इसका मास भी एक्स है, बट कंपाउंड का मास स्मॉल है और स्मॉल भी होगा, तो इनके सेम एटॉमिक मासेस रहे बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो जाए तो इसको आप कहेंगे आइसो बार। ओके, चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। कुछ क्वेश्चंस अगर बचे हों तो देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अबाउट 101/2000 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के मास का लगभग 101/2000 टाइम छोटा होता है। ठीक है, सेल को हम के एल एम से यूज़ करते हैं, कंपेयर ये आप कर लेंगे। जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की करी थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। याद रखिएगा, बड़ी क्लास में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 35 35 79 81 दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंस ये हैं, दे आर आइसोटॉप होगा। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।